स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल मोबाइल टेक दीप में। दोस्तों आज हमारे पास आया हुआ है रेडमी का नोट सेवन, नोट सेवन एस, नोट सेवन प्रो, सब में ये प्रॉब्लम आता है। तो जैसा कि इसमें प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जैसे हम पावर ऑन करते हैं तो ये रेडमी लिखाकर चार्जिंग का सिंबल आकर के बंद हो जाता है, या कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि आप पावर ऑन करते हैं तो बार बार रेडमी लिखा के रिस्टार्ट हो जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि पूरा ऑन हो जाता है उसके बाद ऑफ़ हो जाता है, या कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि चार्जिंग आप लगाओगे चार्जिंग आपका शो करेगा फ़ोन ऑन नहीं होगा, या ऑन भी होगा तो जैसे आप चार्जिंग केबल निकाल देते हो तो आपका फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो ये सारी जितने भी प्रॉब्लम है दोस्तों मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपका ये जितना भी प्रॉब्लम है आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि हम चार्जिंग लगाए हैं और यहाँ पर हमारा रेडमी लिखा के बंद चालू हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है। तो मैं जितना भी आपको प्रॉब्लम बताऊँ ये सब प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो पे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये अभी रेडमी लिखा करके रुका हुआ है। मैं एक बार पावर ऑन करके भी दिखा देता हूँ, फ़ोन हमारा ऑन नहीं होगा। अब कई बार मैं आपको बताया कि फ़ोन ऑन भी हो जाता है चार्जिंग निकालने के बाद बंद भी हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो पे। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ये बहुत सारे फ़ोन में आपको ये ट्रिक वर्क करेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये रेडमी का नोट 7 ही हो, आप दूसरे रेडमी के फ़ोन में भी ये ट्रिक आप वो कर सकते हैं, लगा सकते हो इस ट्रिक को और आपका 100% सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से इस फ़ोन को हम ओपन कर लेते हैं, बैक पैनल ओपन कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको रिपेयर करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो हमारा बैक पैनल ओपन हो चुका है, देख सकते हैं ये। अब मैं स्क्रू जो लगा हुआ है इसको निकाल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ से है, कैसे है, इसको कैसे ठीक करेंगे दोस्तों। देख सकते हैं इसमें हम एक बार फिर से बैटरी को लगा करके फिर से चेक कर लेते हैं। कई बार दिक्कत ये रहता है कि बैटरी निकला हुआ रहता है, इस कारण से भी ऑटो रिस्टार्ट होता है। तो मैं एक बार बैटरी फिर से लगा के फिर से चार्जिंग लगा चेक किया तो अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको पूरा कनेक्टर को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद एक बार आपको मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ कि इसमें जो बैटरी है फूला नहीं है, एकदम फ्रेश बैटरी है, देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार मीटर में भी चेक करके दिखा देता हूँ कि इसमें वोल्टेज अभी कितना बता रहा है, देख सकते हैं 3.9 आपका वोल्ट अभी भी है, मतलब ये फ़ोन हमारा चार्ज है, इतने में हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम ठीक करने के लिए दोस्तों बैटरी बदल करके भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आपको बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी बैटरी को ही रिपेयर करके आपको लगाना है। आपके पैसे भी बच जाएंगे, कस्टमर का काम भी हो जाएगा और आपका अच्छा खासा पैसा भी बन जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं आपको इसके लिए आपको ये बैटरी को रिमूव कर लेना है। अगर बैटरी रिमूव ना हो तो आपको ऊपर के साइड से ये जो पन्नी है ब्लैक कलर का इसको उतार लेना है दोस्तों पूरा। ये हम जैसा कि मैं जल्दी से इसको उतार लेता हूँ, उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें नहीं तो आपको समझ नहीं आ पाएगी आपको इसको कैसा, इसको प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें। तो ये जो ऊपर का जो पन्नी जो टेप लगा हुआ है इसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपका ये जो अंदर जो किट लगा हुआ है इसको मैं देखना है, आपको माइनस के साइड पे एक रेजिस्टेंस लगा होगा, जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, जूम करके थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपको भी अच्छे से दिखा देता हूँ। ये जो ये इस साइड पे ये है, देख सकते हैं रेजिस्टेंस, ये आपका माइनस के साइड पर है, जैसे ये मैं अच्छे से जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये माइनस के साइड पर है बी, ये देख सकते हैं बी माइनस, तो माइनस के साइड पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है दोस्तों। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस है, ये जीरो ओम्स का रेजिस्टेंस रहता है, आप जीरो ओम्स का रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आपको एक छोटा सा एक जंपर कर सकते हैं दोस्तों इसके ऊपर। फिलहाल तो मैं अभी रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं जंपर कर दे रहा हूँ। तो एक जंपर लगा देता हूँ मैं, छोटा सा इसमें जंपर लगेगा। जंपर लगाने के बाद हम इसको चेक करेंगे दोस्तों कि हमारा जो प्रॉब्लम था ऑटो रीस्टार्ट का, या ऑटो ऑफ होने का, या चालू होने के बाद बंद होने का, या कभी फ़ोन आया तो बंद हो जाता है, ये कभी नेट चलाए यूट्यूब चलाए तो अचानक से बंद हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है दोस्तों। तो देख सकते हैं मैं इसको जंपर करके इसको मैं अच्छे से पैक कर दे रहा हूँ। पैक करने के बाद हम चेक करेंगे दोस्तों कि इसका जो प्रॉब्लम था
ऑन नहीं होने का ये प्रॉब्लम हमारा ठीक होता है कि नहीं होता है, तो इसको अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। जैसा पहले लगा हुआ था वैसा ही आपको टेप कर लेना है। ये मैं टेप कर लिया हूँ। अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा कनेक्टर को हम लगा लेते हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर, दोनों को अपन लगा लेते हैं। लगाने के बाद दोस्तों हम इसको ऑन करके देख लेंगे। ऑन करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको अभी भी बैटरी बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो दोस्तों ये फ़ोन जो है आप बिना बैटरी भी ठीक कर सकते हैं, ये बैटरी बदल के भी ठीक कर सकते हैं, आप दोनों कंडीशन में इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको मदद मिलती है तो अच्छा से कमेंट भी कर दें, ताकि मुझे मोटिवेट मिले, मैं आगे आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लाऊं आपके लिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतने, मिलते हैं किसी अगली टॉपिक के साथ नई वीडियो पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।